सर सतीश राठी जी, जैसे आज आपने यहाँ नामांकन फार्म जो आपकी प्रत्याशी है उसका भरवाने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? अब आपने भी देखा होगा सारी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ने का कह के, और सारी पार्टी आज पीठ दिखा के बाती है। इंडियन नेशनल लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो कहा वो किया। हमने बोला था कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, आज पार्टी ने अधिकृत रूप से सिंबल पे प्रत्याशी का फॉर्म भरा है और हम इनेलो की तरफ से चुनाव निशान चश्मे पर चुनाव लड़ेंगे और नगर पालिका के चुनाव को पूनम बोध के नेतृत्व में जीतेंगे। तो क्या कुछ लग रहा है आपको भाई, जनता है जो जनता वोट क्यों दे आपको? जनता इसलिए देगी, 10 साल का जो कड़ा अध्याय कांग्रेस का और 8 साल का बीजेपी का, जहाँ सर पहले था 18 साल पहले, 18 साल के अंदर ना पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई, ना अच्छा स्कूल बन पाया, ना अच्छी बिजली की व्यवस्था हो पाई। आज सारे दुकानदार भाई डरे हुए, ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना अस्पताल अच्छा है, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था अच्छी है। एक भी तो कोई काम आप बता दें, ये लोग 18 साल में दोनों पार्टियां मान लें बीजेपी और कांग्रेस, कोई एक भी काम ऐसा बता दें जिससे जनता खुश हो, तो जनता ऑटोमेटिकली चौटाला साहब को याद करेगी, पूनम बोध को वोट देगी, हम जीतेंगे। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं भाई एक मौका और दिया जाए, जो जितनी भी कमियां हो। अरे भाई अखबार बार उन्हीं कोई जनता मौका देती रहेगी क्या? इतना पैसा लूट के खा गए ये लोग। आप हमारे घोषणा पत्र को आप देखोगे तो उसके अंदर हमने लिखा है जो इन्होंने 18 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार कराया उसकी भी हमारी पार्टी जांच कराने का काम। सबसे पहला आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा 21 सूत्रीय मुद्दा है, ये प्रॉपर्टी टैक्स होकर कम करना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था को सुधारना, शहर की साफ सफाई को करना, शहर में अच्छे पार्कों की व्यवस्था करना और शहर में सार्वजनिक शौचालय बनवाना, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है शहर में इधर से उधर जाने की व्यवस्थाएं करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता के हित के मुद्दे। तो आप मान के चल रहे हैं, आप जीत मान के चल रहे हैं आप अपने? वो तो 19 तारीख ना आपके आगे आ जाएगा, इन्हें लोग एक तरफा जीतेंगे, आप देख लेना आपके सामने गिनती होगी। तो क्या नाम है मैडम? तो किस चीज के लिए आपने नामांकन फॉर्म भरा? बस ये यहाँ चेयरमैन के लिए, बस हमारी यही कोशिश है कि शहर को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। हमारे शहर में लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, कई परिवार हमारे ऐसे भी है जो हमारे लड़कियों को बाहर भेजते हुए हिचक मानते हैं, बाहर नहीं भेजते। हम उन लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था कराएंगे। हमारे शहर में सफाई की तरफ देखा जाए तो बहुत ही बेहाल, उनका हाल बहुत ही बेहाल है, सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ये बढ़ती महंगाई है इसको दूर किया जाए। जिस तरह से आपने अभी लड़कियों की पढ़ाई का मुद्दा उठाया तो वो तो नगर पालिका के अधीन आता ही नहीं, आप कैसे व्यवस्था करेंगे? नगर पालिका के अधीन नहीं आता, लेकिन हम पार्टी की तरफ से हम खुद भी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जी आपका? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और ये तो किस तरह से भ्रष्टाचार आपको किस तरह से भ्रष्टाचार दिखाई दिया भाई? इस तरह से भ्रष्टाचार बस यही है, शहर में किसी भी चीज़ की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है ना। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो नगर पालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है? बिना पैसे कोई काम नहीं होता, चोरी डकैती, अगर हम कहीं पर जाए तो पहले सिफारिश करनी पड़ती है, सिफारिश से काम। तो ये आपकी रहेंगी योजनाएं रहेंगी, तो कैसे उम्मीद है आपको कि आप जीत जाएंगी? उम्मीद तो अब पिछला देखा जाए बीजेपी और इनका, तो इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया है, जनता खुद ही इनसे परेशान है। तो और भी तो उम्मीदवार बहुत भी है ना कंपटीशन में आपके? उम्मीदवार तो बहुत है लेकिन फिर भी, यानी कि पूरा का पूरा मन है, आपको विश्वास है कि जीत जाएंगे? बस मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाए और मुझे एक मौका दिया जाए ताकि हम अपने शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकें।